दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की आने वाली परीक्षाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर मीटिंग चल रही थी और फाइनली ये मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। इसके मेन पॉइंट्स अभी सामने नहीं आए, कल सुबह तक सभी पॉइंट्स सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक नई बहस शुरू हो गई है और ये बहस शुरू हुई है दो डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है उनके चैनल पर, और इसके अलावा एबीपी गंगा की तरफ से भी एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आई है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि मैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात करूं इस न्यूज़ की, तो एक अच्छी बात यह है कि परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं, ये एक कंफर्म न्यूज़ है और दोनों की तरफ से ही ये न्यूज़ शो की जा रही है। मगर एबीपी गंगा की तरफ से 1 जुलाई 2 जुलाई को फाइनल पूरा कंप्लीट फैसला आएगा ऐसा कहा जा रहा है, और न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं और अब सभी यूनिवर्सिटीज़, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ इस पर डिस्कस करेंगी कि किस प्रकार से अब छात्रों को आगे प्रमोट किया जाए, इस पर फैसला किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों बातों में कुछ क्लैशेस हैं, डिफरेंसेस हैं, और इन्हीं को लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हाहाकार मच गया है। अब ये स्थिति तो दोस्तों टाइम के साथ ही क्लियर होगी, कल सुबह तक पूरी स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं AKTU स्टूडेंट यूनियन की, तो वहाँ पर ब्रह्मसेना की तरफ से बधाइयों का तांता लग चुका है कि छात्रों के हित में फाइनली फैसला आ गया है। लेकिन अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस तक इंतज़ार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊँ, अगर आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन का तब यकीन करें जब BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी हो। इसी प्रकार से CCS यूनिवर्सिटी, इसी के प्रकार से बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी सम्मिलित है, इन सभी की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद आप यकीन करें। तो दोस्तों, यही बताने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि आप अभी भ्रमित ना हो, ये न्यूज़ काफ़ी प्रीमेच्योर न्यूज़ है जिसको कि अभी और फर्दर अपडेट्स की ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक ये पूरी अपडेट्स ज़रूर आ जाएंगी। काफ़ी बहुत ही कम ऐसे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इस मीटिंग की जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैं भी इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बता सकूं। इसीलिए दोस्तों, आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा वेट करें, और अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, ये चीज़ ज़रूर कन्फर्म है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, कल पूरी अपडेट्स के साथ मैं दोबारा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।